नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण पाल गांधी और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राजभाषा हिंदी के लिए आप आईटी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो अंत तक आप ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको जानने को मिलने वाला है। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। यूनिकोड, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, तो हमारे जहन में आता है यूनिकोड। अगर हम हिंदी के अंदर टाइप करना चाहते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर और कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं तो हम बड़े ही आसानी से यूनिकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूनिकोड के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर मैंने लिखे हैं। सभी कार्य हिंदी में यूनिकोड के द्वारा संभव हो जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ईमेल, वेबसाइट, अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो आप काम सारे के सारे अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो बड़े ही सरलतापूर्वक, बड़े ही आसानी से यूनिकोड के माध्यम से कर सकते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर यूनिकोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी एक काम के लिए यूनिकोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही उसी यूनिकोड का इस्तेमाल दूसरे किसी देश के अंदर हो रहा है, उसके स्टैंडर्ड के अंदर, उसके मानक के अंदर कहीं भी कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। सभी जगह पर इसका सही और सेम मानक है। हिंदी की फाइलों का आप आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आप बड़े ईजिली हिंदी की फाइल जो है भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ब्राउज़र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि गूगल में कीवर्ड सर्च करने के लिए हिंदी में आप इसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। और ये निःशुल्क उपलब्ध है। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये निःशुल्क उपलब्ध है। आप गूगल से अगर आप टाइप करेंगे यूनिकोड तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करना भी आपके सिस्टम में बहुत ही आसान कार्य है। अब यूनिकोड की अगर हम बात करें कि यूनिकोड है क्या, तो यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, या फिर चाहे कोई भी भाषा हो, प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर यूनिकोड जो है हमें प्रदान करता है। और यूनिकोड मानक में विश्व की लेखनीबद्ध भाषाओं के लिए सब करेक्टरों के इनकोड करने की क्षमता है। यूनिकोड 16 बिट इनकोडिंग का प्रयोग करता है, जो 65,000 करेक्टरों से भी ज़्यादा, 65,536 के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराते हैं। यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रत्येक करेक्टर को एक विलक्षण संख्यात्मक मान और नाम देते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड एनकोडिंग के लिए UTF-8 का प्रयोग होता है। तो ये यूनिकोड के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है कि यूनिकोड असल में है क्या। 16 बिट के लिए वो 65,000 से ज़्यादा करेक्टर का इस्तेमाल करता है और कोड पॉइंट जो है वो उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर आगे हम जानेंगे भाषा प्रौद्योगिकी मानक के बारे में। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन कंपोनेंट हो, उसके लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। अगर हम बात करें करेक्टर एनकोडिंग की, तो उसके लिए स्टैंडर्ड है यूनिकोड। अगर हम कीबोर्ड लेआउट की बात करें, तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ये एक स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ॉन्ट की अगर हम बात करें, तो ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट एंड ब्राउज़र इंडिपेंडेंट ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स जिन्हें कहा जाता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारे के सारे ब्राउज़र, चाहे वो इंटरनेट का एज हो जो कि पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, मोज़िला फायरफॉक्स हो, या फिर गूगल क्रोम हो, या फिर ओपेरा हो, आप सभी में इसका इस्तेमाल, इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें, तो इंस्क्रिप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको स्टैंडर्डाइज़ किया था DOE ने 1991 में, और रेमिंगटन एक टाइपराइटर है, टाइपराइटर कंपनी है जिसने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। और फोनेटिक की अगर हम बात करें, तो उन्नत फोनेटिक लेआउट है इसका, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप कीबोर्ड लेआउट जो है, इंस्क्रिप्ट जो है, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में सवाल है कि इंस्क्रिप्ट जो है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, अगर आप यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर अगर इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अगर आप इन अल्फ़ाबेट्स को अगर आपके फ़ोन के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर ये कीबोर्ड लेआउट इंस्क्रिप्ट है, तो आपको इंग्लिश में टाइप अगर आप करोगे तो वो हिंदी में आपको नज़र आएगा, जब आप उसकी भाषा चेंज कर लोगे, भाषा में बदलाव कर लोगे इंस्क्रिप्ट के थ्रू। तो देखिए, ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है, आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नीचे कीबोर्ड में एक हिंदी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके का कीबोर्ड जो होता है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, वो इस्तेमाल करता है जब हमारे सिस्टम में हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो, और उसका इस्तेमाल करके हम ईज़िली
इसका यूज़ करके इंग्लिश से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। अब द्विभाषी कीबोर्ड और इंस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरों के साथ केवल द्विभाषी कीबोर्ड ही खरीदना चाहिए आपको। आपको बहुभाषी कीबोर्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ द्विभाषी कीबोर्ड खरीद सकते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाएँ हों। और द्विभाषी कीबोर्ड में हिंदी टंकन के लिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट अवश्य होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है, ये इसके अंदर होना आवश्यक है। जब भी आप सिस्टम खरीद रहे हो ये आपको दिमाग में अपने रखना है कि अगर आपको द्विभाषा में टाइपिंग करनी है, दो भाषाओं में टाइपिंग करनी है, तो आपको द्विभाषी कीबोर्ड लेना पड़ेगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाए देखना समझना कि कौन से की पर कौन से की के ऊपर कौन सा पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है हिंदी का। इंस्क्रिप्ट टाइपिंग सीखने के लिए आप www.ildc.in साइट से विकल्प नंबर 12 हिंदी व अंग्रेजी के लिए आसान टंकन प्रशिक्षण वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है इस वेबसाइट का और आपको दिखाने की कोशिश की है कि टंकन की जो मूल शिक्षा है वो आप किस तरीके से यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी हिंदी टाइपिंग को आप डेवलप कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। तो संघ की राजभाषा आप सभी को पता है हिंदी राजभाषा है हमारे देश की, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राजभाषाएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सभी राज्य लगभग यहाँ पर कवर किए हैं और सभी राज्यों की यहाँ पर मैंने भाषा जो है लिखने का प्रयास किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदी, फिर महाराष्ट्र के अंदर मराठी, राजस्थान में हिंदी, गोवा में कोंकणी और मराठी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, दिल्ली के अंदर हिंदी, पंजाबी, उर्दू। तो ये आपको पूरा अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके ऊपर कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी भाषा मुख्यतः बोली जाती हैं उससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पर इमेज लगाई है आपके सामने, और आप बड़े ही सरलता से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से राज्य के अंदर कौन सी भाषा की बहुतायत है, कौन सी भाषा जो है अधिक इस्तेमाल की जाती है, कौन सी भाषा अधिक बोली सुनी समझी और पढ़ी जाती है। यूनिकोड अनेबल करने की प्रक्रिया है, उसके लिए आप https://rajbhasha.government.in एक वेबसाइट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहें तो rajbhasha.nic.in एक और वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पर आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए ये दो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, वेबसाइट्स डेवलप की हुई हैं, वहाँ पर यूनिकोड अनेबल करने का तरीका जो है, प्रक्रिया जो है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। वहाँ के मेन पेज पे जब आप जाएंगे तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल अध्ययन सामग्री में जाना है, वहाँ से भाषाई कंप्यूटरीकरण में आपको यूनिकोड का प्रयोग जो है उस पर क्लिक करके ये सारी की सारी जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाएगी कि आपको यूनिकोड किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर अनेबल करना है। देखिए ये राजभाषा हमारा जो विभाग है उसकी वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है भाषाई कंप्यूटरीकरण यूनिकोड का प्रयोग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने ऊपर देखिए आप राइट साइड में, यहाँ पर स्टडी मटेरियल पे मैंने क्लिक किया तो सेकंड ऑप्शन है भाषाई कंप्यूटरीकरण यूनिकोड का प्रयोग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे का पूरा प्रोसीजर, देखिए आपके सामने प्रोसीजर है पूरे का पूरा कि किस तरीके से आपको उसका इस्तेमाल करना है। देखिए स्टेप वन के अंदर आपको स्टार्ट बटन क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस हैं वहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद लैंग्वेजेस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको इंस्टॉल फाइल है आपने इंस्टॉल कर ली है इंस्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। दैन उसके बाद क्या होगा, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्लेस द विंडो XP CD इन द CD ड्राइव। अगर आपके पास में विंडो की CD है वो आपको डालनी पड़ेगी, तो वहाँ पर ये I386 फोल्डर पाथ जो है वो अनेबल करके आप जो इंडिक लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग हिंदी उनको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और अनेबल कर सकते हो। उसके बाद आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो आप बड़े ही सरलता से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप टू में अगर आप जाएं, स्टेप टू देखें तो उसमें फिर आपको स्टार्ट बटन में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, फिर लैंग्वेज वाला ऑप्शन, वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और उसके बाद में एक्सटेंड सपोर्ट ऑफ एडवांस टेक्स्ट सर्विसेज टू ऑल प्रोग्राम्स वो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में देवनागरी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट सक्रिय करने के लिए आपको स्टार्ट बटन कंट्रोल पैनल में जाके फिर आपको लैंग्वेजेस टैब में जाके डिटेल्स एंड ऐड देवनागरी पे जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका, आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और आप सिस्टम ट्रे जो है उस पर EN और प्रेस कीबोर्ड लेफ्ट साइड ऑल्ट प्लस शिफ्ट को टॉगल करके आप इंग्लिश या हिंदी में लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप इंस्क्रिप्ट अपने सिस्टम के अंदर डाल लेते हैं तो नीचे राइट साइड में जो आपका टास्क बार होता है वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिखाई देते हैं, वहाँ से आप लैंग्वेज जो है बड़े ईजिली चेंज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल के थ्रू भी कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। अब ये विंडोज़ XP में ये उन्नत फोनेटिक
जो कीबोर्ड है वो सक्रिय करने का यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, कुछ चेंज नहीं है, लगभग लगभग सेम आपको जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। और विंडोज़ विस्टा या 7 में भी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड सक्रिय करने के लिए सेम स्टेप्स हैं लगभग, और विंडोज़ 10 में भी लगभग यही सेम स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने सिस्टम के अंदर वो डाउनलोड करके, कीबोर्ड डाउनलोड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर सेम है आपके सामने, सिर्फ मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपका लाइव सेशन ले रहा होता तो मैं आपको बताता कि किस किस तरीके से आप ये कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप बड़े इजीली, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज XP हो, उसके अंदर आप बड़े ही इजीली राजभाषा जो इंडिया आपको मैंने वेबसाइट बताई वहाँ पर जा करके आप रेमिंगटन कीबोर्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और लैंग्वेज इनपुट टूल के अंदर अगर आप इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल चाहते हो तो भाषा.india.com से जा करके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी थी यहाँ पर, और भाषा इंडिया यहाँ पर मैंने वेबसाइट जो है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। आप जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देगी भाषा इंडिया की, और वहाँ पर आपको सारे का सारा प्रोसीजर भी मिलेगा और पूरी की पूरी वेबसाइट आप देख सकते हो, वहाँ पर खंगाल सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर हिंदी आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिक इनपुट 2 में, भाषा इंडिया की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई अभी, वहाँ पर देखिए पहले एसमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। ऐसा कुछ नहीं है कि राजभाषा है उसको चौथे नंबर पर डाल दिया, एसमी को पहले नंबर पर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है और सारी भाषाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। राजभाषा का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन सभी भाषाएं, हमें सभी भाषाओं की इज्जत करनी चाहिए और सभी भाषाओं को बराबर सम्मान देना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, पहले आप हिंदी हो उसके सामने डाउनलोड है। अगर आप विस्टा के लिए, विंडोज 7 के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं 32 बिट में, तो आप इधर जो फर्स्ट रो है उसमें क्लिक करोगे। अगर आप विस्टा विंडो 64 बिट के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले में क्लिक करोगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग तो लास्ट में देखिए आपके पास में थर्ड एक कॉलम है उसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प का, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से हेल्प भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, इस स्क्रीन पर इंस्टॉल डेस्कटॉप वर्जन, इस पर आप क्लिक करोगे। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो ये IME लैंग्वेज जो है वो चूज़ करने के लिए आपको बोलेगा। IME लैंग्वेज आप वहाँ पर चूज़ करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास में पेज ओपन होगा, हिंदी भाषा के यूनिकोड आधारित ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स, ये आपके सामने है यहाँ पर सी डाइजेस्ट, मॉड्यूलर, कैड ग्राफ, ये सारे के सारे आपके सामने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी राजभाषा का इस्तेमाल किस तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे वो यूनिकोड के थ्रू हो, चाहे वो इंडिक कीबोर्ड के थ्रू हो। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी, जानने की कोशिश की, और ये हमारी आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका साथ में जुड़े रहने का और इस वीडियो को अंत तक देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।